तो बात है जब 1691 में औरंगजेब ने अपने गवर्नर आलिफ खां को हिमाचल वाले क्षेत्र में भेजा कर इकट्ठा करने के लिए। आलिफ खां ने सबसे पहले कांगड़ा के राजा कृपाल चंद से संपर्क किया। राजा ने उन्हें बताया कि बिलासपुर या कहलपुर के चंदेल राजा भीमचंद इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। यदि वह कर दे देंगे तभी बाकी लोग भी उनका अनुसरण करते हुए कर दे ही देंगे। राजा कृपाल के सुझाव पर आलिफ खां इतना समझ गया था कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वो भीमचंद की राजधानी की ओर ही बढ़ जाए, ताकि अगर भीमचंद जल्दी से जल्दी राजी हो तो ये बाकी राजा भी जल्दी से जल्दी कर दे दें। ये सब सोच के आलिफ खां भीमचंद की राजधानी की ओर मुड़ गया। वह और उसकी सेना नादौन में रुके और बिलासपुर के चंदेल राजा भीमचंद को अपने दूतों के द्वारा एक संदेश भेजा। उसका संदेश पाते ही भीमचंद चंदेल ने अपने पहाड़ी चंदेल राजाओं के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध करने का फैसला कर लिया। इस युद्ध में मुगलों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे हुसैन खान, जिसमें गवर्नर वजीर खान और आलिफ खान भी शामिल थे। और फिर मुगलों की तरफ से राजा कृपाल चंद ने भीमचंद की सेना की तरफ पहला हमला स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे मुगलों की संभवतः विजय होने वाली हो। लेकिन तभी भीमचंद चंदेल ने हनुमान मंत्रों का पाठ करा और देखते ही देखते वह खुद और उनके सामंत राजा इस युद्ध में जीतने लगे। और आगामी लड़ाई में भीमचंद चंदेल ने मुगलों की इस सेना को ब्यास नदी में खदेड़ दिया और इसके बाद मुगल आलिफ खां और उसके योद्धा वहां से भाग गए। लेकिन लड़ाई के तुरंत बाद मुगल फौजदार ने भीमचंद चंदेल के साथ अपने इस झगड़े को सुलझाया और उल्टा वो जो कर लेने आए थे उन्हें इन रिटर्न वो कर भीमचंद चंदेल को देना पड़ा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और नीचे कमेंट करके बताओ अगर तुम्हें इस बैटल के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी कभी थी। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करो।